सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना के पहले हम सरश्री द्वारा मार्गदर्शन पाने वाले हैं, आइए ग्रहणशील होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन या नेगेटिव कंट्रीब्यूशन? नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के लिए क्षमा मांग लेनी है। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इस विश्व को क्षमा के द्वारा रोशन कर देना है। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या करनी है? लकीरें मिटाकर ईश्वर की मूल अवस्था, स्वस्थ अवस्था एक्टिवेट होकर तेज विकास की अगली सीढ़ी जो होने जा रहा है, होना चाहता है, उसके लिए आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। वो कैसा कंट्रीब्यूशन है? तो ऐसे विचार मत के लिए क्षमा मांग लें कि मेरा ऐसा यकीन था, लोग ऐसे हैं, लोग दोषी हैं, उसके लिए तो हम माफ़ी मांगें। और घटना पर घटना रोज़ कुछ हो रहा है जो आपको बता रहा है कि आप के मत कौन से लकीरें क्रिएट कर रहे। आपको अपना मत समझ में आना चाहिए। मेरा विचार मत जो दुख क्रिएट कर रहा है, पहले तो मैं क्षमा मांगकर उसको मिटा दूं। और क्षमा से मिटता कैसे? ये जादू देखा आपने, किसी ने आपको सॉरी कहा नहीं, आपकी फीलिंग तुरंत चेंज हो गई। तुरंत क्षमा मांगने के साथ प्योर अवेयरनेस में आया हुआ एक भी दाग समाप्त हो जाता है। और कितने सारे हैं पहले से ही, वे तो मिटे, और अंदर जो दबे हुए, जो आज नहीं तो कल ऊपर आएंगे, उन सबको मिटाने की तैयारी हम कर रहे। ऐसी तैयारी कि अब हम भूलते नहीं है, अभी हमें याद रहता है कब हमें कैसे कार्य करना है, तुरंत कैसे क्षमा मांगनी, कैसे मांगनी है, तरीका भी आपको समझना है और कर भी लेना है। आज मौका है अंदर की भी सफाई करें। तो टॉपिक समझी होगी तो दिल से करोगे, टॉपिक नहीं समझी होगी तो बोलेंगे मैं क्यों करूं, मेरे भाई ने करना चाहिए, पड़ोसी ने करना चाहिए, वे आके मुझसे क्षमा मांगे कितना अच्छा लगेगा, सभी लोग आकर आपसे क्षमा मांगे कितना अच्छा लगेगा। हर एक यही वेट कर रहा है। जो सोए हुए लोग वो यही चाहेंगे, जो जागे है वो कहेंगे हम अपना कार्य शुरू कर दें, मेरी साझेदारी जो है मैं उसको समाप्त करूँ, नेगेटिव साझेदारी समाप्त हो जाए, एक भी लकीर ऐसी नहीं बची, क्योंकि उसमें आपको ही आनंद है। आप एहसान कर रहे हैं क्या? किसी और पर तुम एहसान करोगे? आप लग रहे तो मैं मेरे लिए कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया मेरे अंदर है, मेरे लिए कर रहा हूं, मेरी दुनिया सेट हो गई, मेरी दुनिया क्लियर हो गई, मेरी दुनिया में प्रेम आनंद मौन, मैं मेरे लिए कर रहा हूं, मैं ऐसी दुनिया में रहना चाहता हूँ, उच्चतम विकसित समाज में मैं रहना चाहता हूँ। ये टॉस हुआ है, देखो जो टॉस हुआ है वही तो क्रिएट हो रहा है। ये बातें में कैसे सुनने को मिल रही है आपको? ऐसी तो नहीं आती ना बातें। जब लोग तैयार होते हैं तो मौन के कुएं से कुछ बातें निकलती, वरना तो पास्ट के कुएं से, पास्ट के कुएं से जो बनना था बन चुका है विश्व में कभी का, जो भी आना है वो प्योर अवेयरनेस से, इंसाफ से, इंसाफ होने के बाद जो होगा, सीन ही बदल जाती है। तो ये जो बातें एक एक करके आप समझ रहे हो, लकीरों को ताकत कौन दे रहा है? तो मेरा अज्ञान उसको ताकत दे रहा है। तो क्षमा तो मांग ले तुरंत,
तो नया तो टॉक बंद हो जाएगा, नई लकीरें तो बंद हो जाएगी, मगर जो पुरानी ऊपर आएगी किसी और पर दोष मत डालना, तुरंत खुद क्षमा मांगना। और अपने अज्ञान के लिए मांगने में क्यों शर्म, तब लॉजिकल सोचते बैठोगे कि नहीं उसका दोष, तो वापस फंस जाओगे। पहले तो अपना काम पूरा कर लो, लोग अपना काम पूरा करें न करें, उल्टा हम भी चलो सबके लिए क्षमा मांग लेते हैं। पहले मैं इस समझ के साथ, तो ये टॉपिक जितनी भी क्लियर हुई है उसके अनुसार हम करने वाले हैं साधना। सभी आंख बंद रखेंगे, मोक्षमा साधना के लिए आंखें बंद रखें और कुदरत को आमंत्रित करें, गुरु को साक्षी रखते हुए, क्षमा मांगते हुए, मेरे अज्ञान के लिए, मेरी अर्ध बेहोशी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहती हूँ। मेरे विचार मत, रॉन्ग बिलीफ, कोर थॉट्स, सब के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहती हूँ। यह मेरी अज्ञानता है, यह मेरी अज्ञानता थी, मैं ऐसे मानकर चल रहा था, चल रही थी, जिसमें कोई तथ्य नहीं था, कोई सच्चाई नहीं थी, इसके लिए मुझे दिल से खेद है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करो। गुरु को साक्षी रखकर, ताकि जिम्मेदारी से मैं इस भूल को स्वीकार करूं, मुझे माफ किया जाए, इंसाफ किया जाए। मेरा अंदर साफ किया जाए। मेरे अंदर कोई भी लकीर न रहे, इसके लिए सबको मिटा दो, डिलीट कर दो। आप में ताकत है इसे डिलीट करने की, समाप्त करने की, मिटाने की। इसे मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो।
हाथ जोड़कर या हाथ खोलकर या जिस तरीके से भी भाव आए, उस भाव को रिलीज करो भावना के साथ पूरे दिल से। क्षमा मांग ले सभी के लिए भी। परिवार में जो हैं सबके लिए क्षमा मांग लें। सभी को माफ किया जाए, सभी को साफ किया जाए। मेरे अज्ञान का असर दूसरों पर भी हुआ है, मेरे विचार मत का असर दूसरों पर हुआ है, जिसके लिए मुझे क्षमा कर दिया जाए। मैं दिल से माफी मांगता हूं, दिल से माफी चाहती हूं। सबके लिए जो जो याद आते हैं, जो जो समस्याएं याद आती हैं, रिश्तों की, पैसे की, स्वास्थ्य की, ऑफिस की, जॉब की, बिजनेस की, उनमें जो जो इन्वॉल्व हैं, जो जो साझेदार हैं, सबके लिए मैं माफी चाहती हूं, चाहता हूं। अलबत्ता मैं पहले आता हूं, मैं पहले आती हूं। कृपया मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो, इंसाफ करो। लकीर काल से मुक्त करो। लगान की रस्सी का लोड विलीन कर सकते हो आप, विलीन करो, मिटा दो। मुझे पूरा यकीन है ये संभव है, मेरी आस्था है अब ये सब मिट सकता है। इसे मिटा दो। ये सब मिटाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।